नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को फटकार लगाई है, जवाब तलब किया है भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर। देखिए, ये मामले बार बार सामने आते हैं, किसी न किसी भर्ती में कर्मचारी चयन आयोग गड़बड़ करता है, मामला हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट चेयरमैन को जवाब तलब करता है, चेयरमैन को पेश होने के लिए बोलता है, आयोग पर फटकार लगा, तब जाकर वो एक्शन लेते हैं और वो सही काम करते हैं जो उनको पहले करना चाहिए था, वो फिर कोर्ट की ऑर्डर्स के बाद करते हैं। तो आज ये जो मामला आया स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए, पूरा मैटर क्या है, क्या अनियमितताएं बरती गई, क्या रहा, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल पर नए आए हैं, जॉब से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, हरियाणा स्टेट से जुड़ी किसी भी प्रकार की, इलेक्शन से संबंधित, इलेक्शन डेट है, आचार संहिता है, आपकी HSSC एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट, कट ऑफ, सभी प्रकार की डिटेल कोर्ट की से संबंधित मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो मामला निकल कर सामने आया हुआ है 377 स्टेनोग्राफर की भर्ती को लेकर, हाई कोर्ट के रडार पर अब कर्मचारी चयन आ चुका है। भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का आरोप जो है युवाओं ने लगाया है। हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी जिसमें बोला गया कि कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया है। हाई कोर्ट ने सरकार कर्मचारी चयन आयोग से इसको लेकर जवाब तलब किया और जवाब मांगा है। हरियाणा में कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बुधवार को स्टेनोग्राफर के 377 पदों की भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बुधवार को हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाले गए 377 पदों की भर्ती को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस भर्ती के लिए परीक्षा 2 साल पहले ली गई थी और अब स्किल टेस्ट लिया गया। स्किल टेस्ट के बाद दस्तावेजों की जाँच के लिए बुलाया गया। भर्ती के दौरान न तो कहीं पारदर्शिता दिखाई थी और न कहीं आवेदकों को यह बताया गया कि आखिर किस आधार पर लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे पहले की भर्तियों की प्रक्रिया और इस भर्ती की प्रक्रिया में भी काफ़ी फर्क है। साथ ही भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को भी कुछ याचिकाओं में चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में कहा गया कि आरक्षण की जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जिसके अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन इस भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग और वह अन्य प्रकार के आरक्षण को मिला लिया जाए तो कुल आरक्षण 50% की सीमा पार कर जाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इसके साथ ही आयोग को अगली सुनवाई पर भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश भी जारी किए। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल अस्वीकार करते हुए कहा कि वे केस का रिकॉर्ड देखने के बाद ही आगे फैसला लेंगे। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर में नहीं है, 2 न्यूज़पेपर में आई है, ये देख सकते हैं आप। दूसरे न्यूज़पेपर में भी आई है कि भाई 377 पदों की जो भर्ती थी स्टेनोग्राफर की, उसमें अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने जो है भर्ती के रिकॉर्ड को जो है तलब कर लिया और मंगा लिया है अगली सुनवाई पर। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है कि पद पर किए काम को अनुभव में शामिल करने पर विचार कर सकती है सरकार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की अंतरिम राहत देते हुए तहसीलदार से HCS के पद पर मनोनीत नायब तहसीलदार के पद के अनुभव पर भी सरकार को विचार करने को कहा है। तो दोस्तों, ये अनियमितताएं कुछ ऐसी चीज़ें हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पता नहीं क्या मार्गदर्शन की या फिर किस दृष्टिकोण से काम करती है, ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। 5 साल इनके हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसे जो रिकॉर्ड हैं या फिर ऐसे मामले बार बार सामने आते रहते हैं। फिलहाल मेरे पास से कई भाइयों के कमेंट आए थे, फ़ोन आए थे कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए, मेरे को जो भी आप लोग बोलते हैं मैं आपकी हर संभव हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।